हेलो एवरीवन, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो अब यहां पर आप लोगों को मैंने डेफिनेशन तो क्लियर कर दी थी हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। अब मैं लेकर चला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब यहां पर देखिएगा, देखो यहां पर थ्री टाइप से क्लासिफाइड किया गया है हेलो एल्केन और हेलो एरिन को थ्री बेस पर। ठीक है, तो देर आर थ्री क्लासिफिकेशन। तो यहां पर नंबर वन देखना, क्या लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कैन बी क्लासिफाइड इन दी फॉलोइंग वे। ठीक है, देखो या फिर लिख दो देर आर थ्री क्लासिफिकेशन। There are three classification there are three classifications of haloalkane and haloarene, right? यहां पर तीन क्लासिफिकेशन है, क्लियर? तो नंबर वन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। देखना, ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, हैलोजन एटम के बेस पर क्लासिफिकेशन देखना, जैसे कि हां CH3X, एक एक एक्स मीन्स हैलोजन, एक एक हैलोजन वाले, या फिर CH2X, दो दो हैलोजन वाले, या फिर देखिएगा CH2X, CH3, CH2, CH और CH2X। देखना, इन कंपाउंड में एक एक हैलोजन है, इन कंपाउंड्स में दो दो हैलोजन है, इन कंपाउंड्स में तीन तीन हैलोजन है, राइट? तो कहने का मतलब यह है जो एक एक हैलोजन वाले हैं उन्हें बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। देखना, मोनो हैलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन, और ये है तीन हेलोजन वाला। देखना, वन हेलोजन वाला मोनो हेलो एल्केन, टू हेलोजन वाला डाई हेलो एल्केन, और तीन हेलोजन वाला ट्राई हेलो एल्केन, राइट? तो देखो ये, अब इसके बाद हां, तो बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हेलोजन एटम। भाई हम कॉमन सेंस यूज करके भी ये बात कैच कर सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। इसके बाद देखो, बेंजीन रिंग में एक हेलोजन लगा हुआ है, या फिर बेंजीन रिंग में दो हेलोजन लगे हुए हैं, या फिर बेंजीन रिंग में तीन हेलोजन लगे हुए हैं, 1, 2, 3। अब देखना इनका क्लासिफिकेशन, मोनो हेलो एरिन, भाई एरिन्स हैं, मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स। ठीक है, ये ट्राई तीन हेलोजन वाली ट्राई हेलो एरिन्स, राइट? क्लियर? तो देखो ये ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन, क्लियर?
इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मेरा पहला हेडिंग था ऑन दी बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, इनमें एक एक हैलोजन एटम है इन दोनों में, इनमें दो दो हैलोजन एटम है, इनमें तीन तीन हैलोजन एटम है, ठीक है। अब देखो ठीक है, हमने बोल दिया वन वन हैलोजन वाले को मोनो हैलो एल्केन, ठीक है, दो वाले को डाई हैलो एल्केन, तीन वाले को ट्राई हैलो एल्केन या ट्राई हैलो एरिन, चार वाले को टेट्रा, पांच वाले को पेंटा, इसी तरह से चलता जाएगा। लेकिन इसे तो पर्टिकुलर नाम दिया मोनो हैलो एल्केन, ठीक है, या मोनो हैलो एरिन, एक से ज्यादा वाले को, एक से ज्यादा वाले को, दो या दो से ज्यादा वाले को, दो तीन चार पांच, उन्हें हम बोल सकते हैं जनरल वे में, जनरल वे पोली हैलो एल्केन या पोली हैलो एरिन, क्लियर। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में देखो, आप लोगों के सिलेबस में केवल ये है, राइट, लेकिन यहां पर आपको तीनों नोट करने हैं, ये भी पूरा नोट करना है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी नोट करें इस टॉपिक को फटाफट एकदम। जल्दी नोट कीजिए, अभी ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। यहां पर मैंने लिखा दिया है देयर आर थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन, ठीक है, तीन क्लासिफिकेशन है, क्लियर। अब इसके बाद जल्दी से नोट करें, आप इसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हो कि दीज आर क्लासिफाइड, ऐसे कर दो तीन, क्यों, अब इसके बाद ना इन दोनों का क्लासिफिकेशन नहीं है, केवल इनका ही क्लासिफिकेशन है, तो ये दीज, ठीक है, देखो ये थोड़ा चेंज कर लो, दीज आर क्लासिफाइड, दीज आर क्लासिफाइड मे बी एज फॉलोज, ये कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, दीज आर क्लासिफाइड मे बी एज फॉलोज, ठीक है, ऐसा कर लो तो ज्यादा बेटर है, दीज आर क्लासिफाइड मे बी एज फॉलोज, इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, नंबर वन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, राइट। तो यहां तक नोट हो गया होगा, अब इसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन है, देखो अब इनका क्लासिफिकेशन नहीं है, अब इन्हीं को क्लासिफाइड किया गया है इन दोनों को, ठीक है। अब देखो नंबर टू क्लासिफिकेशन, हां नंबर टू क्लासिफिकेशन देखिएगा, हां नंबर टू देखो, कंपाउंड कंटेनिंग देखो, कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, राइट, कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, राइट। अब देखना इसमें तीन है, नंबर ए एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन, देखो एल्काइल हैलाइड, हां नंबर ए एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन, और हैलो एल्केन, राइट। अब देखना, हां जो इस तरह के आपके हैलो एल्केन है, देखो जो इस तरह के हैलो एल्केन है, देखो ये आपका प्राइमरी है, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी, ऐसे ही आर सी, देखो यहां पर मैंने जैसे एक एच की जगह दूसरा एल्काइल ग्रुप ले लिया, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो चलो मैंने एक को आर कहा है, एक को आर डैश कह दिया, ये हमारा सेकेंडरी, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी हैलो एल्केन है, राइट, सेकेंडरी। इसके बाद देखिएगा, हां आर सी, देखो आर आर
हैलोजन। देखो आप कहोगे कि तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट भाई तुम्हारी इच्छा जैसे भी लेना चाहो। एक को मैंने आर कह दिया, एक को आर डैश, एक को आर डबल डैश, ये क्या है हमारा टर्स भी, राइट। तो देखो कंपाउंड कंटेनिंग एसपी थ्री सी एक्स बॉन्ड, यहां पर जो हैलोजन है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कनेक्ट है। यहां पर जो हैलोजन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसे प्राइमरी, भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की पहचान करनी तो आ गई। किसी कार्बन के लिए देखो, इस कार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, एक प्राइमरी। इस कार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, दो, तो सेकेंडरी। इस कार्बन के लिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, तीन, तो ये टर्सरी। इस बात को मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये बता चुका हूं। अब इसके बाद देखिएगा, तो ए तो हो गया ये एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। बी बी है एलाइलिक हैलाइड, मैं भी ये बात को बता चुका हूं। एलाइलिक कंडीशन क्या होती है, देखो एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड, और मैंने आपको एक बात बताई थी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड हैलोजन। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब इसके पास हैलोजन से कनेक्ट, ये हैलोजन इस कार्बन एटम से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्यों, आपका ये ही वाला एलाइलिक कार्बन है और इस कार्बन का देखो ये वाला, ये मैंने सर्कल बनाकर आपको एक्सप्लेन किया था, एलाइलिक कार्बन ये और एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन, जब मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर हैलोजन लगा दिया तो बन गया एलाइलिक हैलाइड, क्लियर। देखो भाई इसके बाद तो यहां पर क्या, अब कार्बन की वैलेंसी फोर कवर कर ली, एच एच, देखो ये एच और ये आपका एच, ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। मैंने एक साथ भी लिख सकता हूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। और देखो ऐसी मैंने सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, देखो यहां पर मैंने, हाँ यहां पर मैंने एक एच लेकर एक और एल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी एलाइलिक कंडीशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड हैलोजन, राइट। लेकिन हाँ ये आपका क्या, कौन सा एलाइलिक हैलाइड है, प्राइमरी। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट है तो प्राइमरी, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अदर टू कार्बन एटम से कनेक्ट है तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी। और देखिएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी, देखो मैंने यहां पर आर और आर, या एक को आर कह दिया एक को आर डैश कह दिया, ठीक है, जैसे भी आप लोग करना चाहो, ठीक है। तो ये क्या है मेरा टर्सरी एलाइलिक हैलाइड, देखो एलाइलिक कंडीशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, और एलाइलिक कार्बन से हैलोजन कनेक्ट है तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया आपका, क्लियर। जल्दी से नोट करें, आपके अभी सेकेंड क्लासिफिकेशन में देखना तीन है, नंबर ए एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, नंबर बी एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अभी इसमें सी और है बेंजाइलिक हैलाइड, लेकिन पहले आप लोग इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं यहां पर बताऊंगा, राइट। जल्दी नोट करें, यहां पर जल्दी नोट करें, हां लेकर चलो। इसके बाद आपके दो पॉइंट ये नोट हो गए होंगे। इसके बाद थर्ड, अभी इसका सेकेंड, इस सेकेंड क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट, कंपाउंड कंटेनिंग एसपी थ्री सी एक्स बॉन्ड, यानी कि सेकेंड क्लासिफिकेशन का ए हो गया बी हो गया अभी सी रहा है, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा थर्ड क्लासिफिकेशन, यानी सॉरी सेकेंड क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट बेंजाइलिक हैलाइड, वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड नंबर सी, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिएगा भाई बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन नहीं कार्बन, देखो ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक हैलाइड लिखा चुका हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये क्या हो गया आपका हैलोजन। देखो भाई यहां पर हम और भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, ये देखिएगा जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलोजन, देखो चलो पहले मैं तीनों एक जैसे नोट कर लेता हूं, हां कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हैलोजन। अब देखना ये तो हो गया मेरा प्राइमरी, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट है तो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब चलो ये बना दिया मैंने सेकेंडरी, देखो
हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, भाई बेंजालिक कार्बन ये है, बेंजालिक कार्बन एक इस तरफ कार्बन से कनेक्ट है और एक इस तरफ कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी बेंजालिक हैलाइड, राइट 2 डिग्री। और ये क्या है मेरा, इसे बना दिया मैंने 3rd डिग्री, यानी आर, और एक को कह दिया मैंने आर डबल डैश या आर डैश, ये मेरा क्या टर्शियरी बेंजालिक हैलाइड। क्लियर, देखो है तो बेंजालिक हैलाइड, बेंजालिक हैलाइड को भी मैंने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाइड कर दिया है। क्लियर, अब ये मेरा सेकेंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 cx बॉन्ड, पहला हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड, राइट। अब देखिएगा, अब इसमें थर्ड क्लासिफिकेशन लेकर चल रहा हूं, हां यहां तक नोट कीजिएगा जल्दी से। इसके बाद यहां तक नोट हो गया होगा, अब इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन, हां थर्ड क्लासिफिकेशन देखिएगा, कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड देखिएगा, हां भाई इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा, इसमें दो हैं, नंबर वन विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, ठीक है विनाइलिक हैलाइड। देखो विनाइल कंडीशन कल मैंने बताई थी CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपकी विनाइल कंडीशन है, तो विनाइल हैलाइड ये हो गया, राइट इसे मुझे ज्यादा नहीं बताना है, विनाइल हैलाइड भाई आपकी ये विनाइल ग्रुप, ये बताया था मैंने कल यानी कल की क्लास में मैंने विनाइल ग्रुप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से बात बताई थी, ठीक है तो बॉन्ड से हैलोजन कनेक्ट कर दिया विनाइलिक हैलाइड, अब सेकेंड है इसमें, या फिर इसे ए कह दो सॉरी, और इसे कह दो बी, बी है आपका एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और जानते हो हेलो एरिन, बात एक है हेलो एरिन, देखो भाई हां देखिएगा भाई आप लोग यहां पर देख सकते हो कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड हैलोजन sp2, देखो हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कनेक्ट है sp2, ये क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ये वाला, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन की पहचान करनी आपको आती है, ओके। और भी इसमें दे सकते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड हैलोजन, यहां पर मैंने मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ये मेरे क्या है यानी कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विनाइलिक हैलाइड में, एराइल हैलाइड और हेलो एरिन, राइट। अब देखिएगा जल्दी से नोट करें, यहां तक जल्दी से नोट कीजिएगा, हां अब इसके बाद देखो मैं लेकर चलता हूं IUPAC नेम पर। बच्चों मैं चाहूंगा आप लोग IUPAC की अपनी 11th क्लास की एक अलग कॉपी बना लें, 11th क्लास की कोई कॉपी आपके पास ऐसी पड़ी होगी जो आधी तो खाली होगी और आधी भरी हुई होगी, भाई इस बात को मेरे को ध्यान से सुनिएगा, 11th क्लास की एक ऐसी कॉपी ले लें जो थोड़ी बहुत यूज हुई हो और बाकी मैक्सिमम खाली हो, उस कॉपी को केमिस्ट्री के लिए दो काम के लिए करना है, एक तो IUPAC नेम के लिए और दूसरा कन्वर्जन के लिए, ठीक है देखिएगा। तो यहां पर IUPAC नेम देखो भाई, कुछ कंपाउंड के देखो भाई ज्यादा नहीं कराऊंगा, आपको मेथड सिखा रहा हूं, 11th क्लास में मैंने आपको IUPAC बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, ठीक है यहां पर आप देख लो, आप लोगों ने 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम पढ़े थे पहले चैप्टर में, इससे उससे ज्यादा नाम है, और पहले चैप्टर में सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में हर एक चैप्टर में आप लोग IUPAC नेम बनाना सीखोगे, देखिएगा। तो यहां पर IUPAC का बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, आपको इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग वे में पढ़ना है, राइट देखिएगा। अब मेरा यहां पर हेडिंग है, हां IUPAC नेम
ऑफ सम हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन हो गया है। हाँ ठीक है, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ सम हैलाइड्स, सम हैलाइड्स। अगर आईयूपीएसी आप लोगों की वीक है, अगर आईयूपीएसी आप लोगों की वीक है तो देखना आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो देखिएगा जैसे कि मैंने यहां पर देखो इस तरह से CH3 CH2 CH और ये BrCH3। देखना मैं हर एक कंपाउंड के दो तरह के नाम लिखूंगा, एक सिंपल नेम और एक IUPAC नेम। क्लियर? अब देखो, हाँ पहले मैं IUPAC नेम लिख रहा हूं। IUPAC 1 2 3 4 टू ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, टू ब्रोमो ब्यूटेन, ये IUPAC नेम है। ठीक है, सिंपल नेम, कॉमन नेम। देखो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूट का मतलब चार कार्बन और सेकेंड नंबर के कार्बन से हैलोजन कनेक्ट है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम। अब देखो ये मैंने आपको एल्काइल ग्रुप पहले बता दिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? अब देखो इसी तरह से हमारे नए नए नाम आएंगे, जैसे कि CH3 का होल थ्राइस CH2 Cl। देखना इस कंपाउंड का IUPAC ने सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया। देखो ध्यान से, हां कार्बन तीन मिथाइल ग्रुप है, देखो ये CH3 CH3 CH3, यहां पर क्या CH2 Cl, देखो ये, चलो IUPAC नेम 1 2 3, देखो IUPAC नेम, हाँ भाई IUPAC नेम, टू पर दो मिथाइल कनेक्ट हैं, टू पर टू मिथाइल कनेक्ट हैं, तो 2.2- डाई मिथाइल। लेकिन एक बात हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 क्लोरो 1 डैश 1 क्लोरो डैश 2.2- डाई मिथाइल प्रोपेन